इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। यात्रा के प्रोग्राम में बदलाव हुआ है, तो भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर अहम जानकारी, 12 दिसंबर को सिर्फ महिला यात्री चलेंगी इस वक्त की बड़ी जानकारी अहम खबर। प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। और बड़ी खबर आपको बता रहे, 10 दिसंबर को था महिलाओं के चलने का कार्यक्रम और ये तारीख जो है वो अब बदल दी गई है, 10 की जगह 12 दिसंबर को महिला यात्री चलेंगी। बड़ी जानकारी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, यात्रा के प्रोग्राम में बदलाव क्या क्या है, जहां पर 12 दिसंबर को सिर्फ महिलाएं चलेंगी। बड़ी जानकारी अहम खबर, 12 दिसंबर को सिर्फ महिला यात्री चलेंगी, प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में उस दिन मौजूद होंगी। 10 दिसंबर को महिलाओं के चलने का कार्यक्रम था और ऐसे में फिलहाल इसमें बदलाव कर दिया गया है, तारीख में बदलाव किया गया है। बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी, यात्रा के प्रोग्राम में बदलाव हुआ इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, और 12 दिसंबर को सिर्फ महिला यात्री चलेंगी। बड़ी खबर अहम जानकारी, प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, यात्रा के प्रोग्राम में बदलाव हुआ है। तो 10 दिसंबर को महिलाओं के चलने का कार्यक्रम था, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस कार्यक्रम में बदलाव कर 12 दिसंबर को अब ये कार्यक्रम होगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, क्या कारण है? जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही है, फिलहाल सोनिया गांधी के जन्मदिन सेलिब्रेशन के चलते यात्रा रुकी हुई है, आज उसका अवकाश है। जयराम रमेश ने कहा था कि एक मैसेज देने के तहत 10 दिसंबर को यात्रा के दौरान सिर्फ महिला यात्री चलेगी, उस कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली हो चुकी है। अब ये कार्यक्रम स्वाई माधो जिले में 12 दिसंबर को होगा और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होगी। प्रियंका गांधी के शामिल होने के चलते इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, 2 दिन का बाद ये यात्रा होगी जिसमें देश भर की राजस्थान की महिला पदयात्री है वो इसका हिस्सा बनेगी। एक मैसेज महिला सशक्तिकरण की दिशा में दिया जाएगा और सवाई माधोपुर जिले में होगी। वहीं सामने आ रहा है, अगर सोनिया गांधी आज दिल्ली के लिए रवाना नहीं होती है तो वो भी 12 दिसंबर तक स्वामी माधोपुर के दौरे पर रहेगी, तो वो भी थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि महिला पदयात्रियों के साथ पैदल चल सकती है। तो महिला यात्रियों के कार्यक्रम में बदलाव अब ये 10 दिसंबर के बजाय 12 दिसंबर को होगा। हाँ बिल्कुल दिनेश, क्योंकि 12 दिसंबर को अभी ये तारीख रखी गई है, ऐसे में जो महिलाएं हैं राजस्थान की बात की जाए तो उनमें किस तरीके का उत्साह जो है देखा जा रहा है, साथ ही सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए उस दिन के लिए? जी बिल्कुल, पहले 10 दिसंबर को प्रोग्राम तय था तो ऐसे में कल से ही महिला पदयात्रियां जो है कैंप के अंदर जुटने लगी थी, लेकिन शाम तक उनको पता लगा कि प्रोग्राम में तब्दीली हुई है। तो अब 11 दिसंबर ये महिलाएं या फिर 12 दिसंबर को सुबह स्वाई माधोपुर जिले में पहुंचना शुरू होगी और वहां पर वो यात्रा को ज्वाइन करेगी। बाकायदा महिला कांग्रेस और अन्य पार्टी के जो अखिल संगठन है उनको निर्देश दिए गए हैं अब ज्यादा से ज्यादा महिला पदयात्रियों को यात्रा के अंदर लाने। ठीक है दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।